उस मौके का इंडिया इंतजार कर रहा है, जैसे वो आएगा, जैसे इन्होंने 370 हटा दिया खत्म। हाँ देखिए ना, 370 पे कितनी बात होती थी, अचानक उन्होंने पता भी नहीं लगने दिया, हटा दिया, पाकिस्तान रौला डाल रहा है। अभी तक भी वो 370 की बात करते हैं, वैसे पीस की भी बात करते हैं, पीस की बात करके 370 की बात कर देते हैं। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम मिक्स रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो है श्याम शर्मा शो का, और उसका टॉपिक है इंडियाज़ न्यू स्ट्रेटेजी टू गेट बैक POK। और इस वीडियो में श्याम शर्मा जो पाकिस्तान के अभी के हालत है और इंडिया उस हालत का कैसे फ़ायदा उठा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। देखिए, पाकिस्तान के लिए इंडिया बेसिकली इल्यूमिनाटी है। पाकिस्तान में जो भी गड़बड़ है वो इंडिया की गलती है। जो मौजूदा करंट टाइम के अंदर हम दिवालिया हो रहे हैं उसमें भी भारत मुलव्वस हो सकता है। पाकिस्तान आज तालिबान की प्रॉब्लम्स के लिए भी इंडिया को ब्लेम कर रहा है, क्रिकेट की प्रॉब्लम्स के लिए भी इंडिया को ब्लेम कर रहा है। अब तो पाकिस्तान इंडिया से इतना नाराज है कि कह रहा है कि इंडिया अगर सुधरा नहीं तो वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएंगे। मैं तो पहले भी कहते थे नहीं आ तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ खेलो, खेलते क्यों नहीं है, भागते। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता, तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? साहब वैसे तो पड़ोस का चिंटू भी ये बोल सकता है कि मैं कटरीना कैफ से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन औकात भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब भी गुस्से में चीख चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, बिजली नहीं है देश में। वजीर आला तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब के दौरान नामालूम शायर की मारूफ नज़्म द डोंट को इट सुनाने लगे तो बिजली चली गई। तो पाकिस्तान इंडिया पर इतना नाराज हो रहा है, इससे एक सवाल उठा है, क्या इंडिया ने फाइनली पाकिस्तान की क्राइसिस को नोटिस किया है और डिसाइड किया है कि पाकिस्तान की इतनी सारी क्राइसिस को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स पाने का ये बहुत अच्छा मौका है? तो क्या इंडिया स्ट्रेटेजिक गोल्स को पाने की तैयारी कर रहा है? आइए पता करते हैं। होपफुली कर रहा होगा। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो शायद आपने सुना होगा कि पाकिस्तान इस समय पर एक बहुत ही सीवियर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फूड और एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान इज फेसिंग ए पॉलिटिकल क्राइसिस। पाकिस्तान इज फेसिंग, ये तो जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान के बैंक कंगाल, जनता बेहाल। पाकिस्तान इज फेसिंग इट्स वर्स्ट एवर फूड क्राइसिस। अब हम लोग को आटा दें, एक हफ्ते से हम लोग को आटा नहीं है। द शॉर्टेजेस रिपोर्टेड सिंस 2007 हैव जस्ट बिकम मोर सीवियर नाउ एज पर रिपोर्ट्स। द कंट्री हैज डिसाइडेड टू डू व्हाट मोस्ट वुड कंसीडर अनथिंकेबल। इट हैज फ्लिप्ड द स्विच ऑन द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी यूज। उसके साथ साथ पाकिस्तान में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की आर्मी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स में पंजाबी डोमिनेशन और मोनोपोली के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Thousands of Pashtuns who form a majority in Afghanistan but see themselves as a sidelined minority in Pakistan. A shutter-down strike was observed in various parts of Gilgit-Baltistan. बलोचियों ने तो पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम करके रखा हुआ है। Thousands of people have been protesting in Gwadar in Balochistan. They're fighting against not just the oppression of their own state but also a colonizer in China. तो इन सारी प्रॉब्लम्स के बीचों बीच पाकिस्तान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली जिससे इंडिया काफी प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि हमने अपना सबक सीख लिया है इंडिया से जंग करके, हम इंडिया से दोस्ती चाहते हैं। पाकिस्तान has learned its lesson. We had 3 wars with India. We have learned our lesson and we want to live in peace with India. अब ये सुन के सभी भारत के लोगों को खुशी हुई होगी, लेकिन इनसे रहा नहीं जाता, इन्होंने कश्मीर का मुद्दा फिर से उठा दिया। देखिए, पाकिस्तान इज बेसिकली द कुत्ते की दुम ऑफ कंट्रीज। भूखे मर जाएंगे। दुनिया भर के देशों ने इनके फोन कॉल इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि उनको भी पता है कि ये फोन करके सिर्फ भीख ही मांगते हैं। देश में बिजली नहीं है, खाना नहीं है, फिर भी एटमी ताकत को कश्मीर चाहिए। तो देखिए, पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत होने के बाद इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करने के बाद ये बार बार कश्मीर का इशू क्यों उठाते रहते हैं? क्योंकि देखिए, इस डिसीजन के पीछे और पाकिस्तान के हर एक डिसीजन के पीछे आर्मी का हाथ है। पाकिस्तान की आर्मी बेसिकली पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। पाकिस्तानी आर्मी ने ये दिखाने के लिए कि सिविलियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी इस देश को कंट्रोल करती है, 4 कू करवाए हैं इस देश में, 1953, 1958, 1977 और 99 में। पाकिस्तानी आर्मी का कंप्लीट पावर है गवर्नमेंट के ऊपर। जनरल मुशर्रफ ने फिर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी क्रिएट करी जिसमें सभी पाकिस्तानी मिलिट्री सर्विसेज के चीफ इंक्लूड थे
और इस काउंसिल का काम है डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में डिसीजन लेना, ताकि पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में मिलिट्री के रोल को और बढ़ाया जा सके। In 2008, when the then Prime Minister Yusuf Raza Gilani placed the spy agency ISI under the Interior Minister in a bid to enforce parliamentary supremacy, the army chief ensured that the order was rescinded within 24 hours. Pakistani army ke upar ye bhi aarop tha ki inhone hi Imran Khan ko prime minister banaya tha aur uske baad Imran Khan ko prime minister ki gaddi se hataya bhi tha. Aur dekhiye is political power ke sath sath Pakistani army ne bahut economic power bhi jama karke rakha hua hai. Military has entrenched itself not only in politics but also the economy and society. The military runs 50 commercial entities. The military has moved into the oil business. Pakistan ke general Bajwa ki family jo 6 saal Bajwa general rahe the utne samay mein billionaire ban gaye. Bhaiya phir hera pheri ki to paisa double karne ki scheme yahan par chal rahi hai. Pakistani army ke officers aur generals khoob dhande bhi karte hain, khoob paise bhi kama chuke hain. Inki badi badi properties hai pure Pakistan mein. Alag alag states mein inhone zameen hadpi hui hai. To Pakistani army ka paisa पाकिस्तानी आर्मी की ऐश इस पॉलिटिकल पावर पे डिपेंडेंट है और ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर पाकिस्तानी आर्मी ने दो बेसिस पर जमा करके रखा हुआ है। पहला कि भाई पाकिस्तानी आर्मी ही है जो पाकिस्तान के लोगों को और इस्लाम को भारत के हिंदू काफिरों से बचाकर रख सकती है, और दूसरी चीज ये है कि भाई पाकिस्तानी आर्मी ही है जो कश्मीर को पाकिस्तानियों को दिला सकती है। तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाया। देखिए, पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने दूसरे बाप IMF के पास भीख मांगने के लिए पहुंच गया। यार कभी कभी मुझे IMF के लिए भी बुरा लगता है। आपने एक बार एक बंदे को थोड़ी सी भीख दे दी, अब वो बंदा आपके घर में ही आके बैठ गया है, जाने का नाम ही नहीं लेता। तो IMF ने भी बोला कि भैया ठीक है, चलो लोन दे देंगे तुमको, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। उसमें से एक शर्त ये है कि शुगर पर आपको एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 13% से 17% करनी पड़ेगी। अब एक एक्साइज टैक्स ये होता है स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पर लगता है, और उस एक्साइज टैक्स का इस्तेमाल पब्लिक की बेनिफिट के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर पेट्रोल पर एक्साइज टैक्स लगता है ताकि उस टैक्स का इस्तेमाल करके हाईवेज डेवलप किए जा सके। लेकिन आर्मी इस एक्साइज टैक्स से खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हर एक इकोनॉमिक एंडेवर की तरह शुगर में भी पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। उतना ही नहीं, करंट गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो आसिफ अली जरदारी हैं, उनके भी बहुत सारे शुगर मिल्स हैं, और आसिफ अली जरदारी के सुपुत्र बिलावल भुट्टो इस समय पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और हमारी कश्मीर की स्टोरी इन्हीं से जुड़ी हुई है। बिलावल भुट्टो को एक तरह से पाकिस्तान का राहुल गांधी माना जाता है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये भी एक बहुत बड़ी और पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, और ये एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं। अब बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और फूड और एनर्जी क्राइसिस के बीच में यूनाइटेड नेशंस में जाके अपने देश को कैसे बचाया जाए उसके बारे में बात करने के बजाय कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट, ओपन द डोर्स टू पीस इन साउथ एशिया। इंडिया ने भी ये देखा कि भैया खाने और पैसे के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन आपको कश्मीर चाहिए है, हवाई चप्पल की औकात नहीं है लेकिन आपको हवाई जहाज चाहिए। तो इंडिया ने भी बोला ठीक है, खुजली ही करनी है तो खुजली हम भी कर सकते हैं। तो इंडिया ने अनाउंस किया कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच की इंडस वाटर ट्रीटी है वो उसको पूरी तरह से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। करंटली इंडस वाटर ट्रीटी में ये डिसाइड हो रखा है कि सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसका 16% पानी इंडिया के पास जाएगा और 84% पानी पाकिस्तान के पास जाएगा। अब इंडिया जो है वो चेनाब नदी पर एक रातले डैम को डेवलप करना चाहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। पाकिस्तान ने इस पर ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया कि नहीं भाई, इससे हमारे पानी पर इफेक्ट हो जाएगा। इंडिया ने कहा है कि इसमें बहुत कम पानी इस्तेमाल होता है, आपके पानी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा। अब आप भी देखिए पाकिस्तान की कंफ्यूजन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने कभी डेवलपमेंट देखी नहीं है तो वो डेवलपमेंट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा और सोचा कि कहीं एलियंस काफिरों को ये टेक्नोलॉजी तो नहीं दे रहे पाकिस्तान से लड़ने के लिए। अगर इस ट्रीटी में पाकिस्तान या इंडिया को कोई प्रॉब्लम हो तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के तीन तरीके होते हैं। पहला है बायलैटरल टॉक्स, दूसरा है कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए दोनों के बीच के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, और तीसरा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपने दो दो रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे वहां पर केस आर्ग्यू करने के लिए, और वहां पर इस इशू को सेटल किया जाएगा। द प्रॉब्लम देयर दैट अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैज द पावर्स टू इंजंक्ट द पार्टी। It has the power to injunct the party constructing a project. अब initially पाकिस्तान और इंडिया ने decide किया कि इस मामले को एक neutral expert से settle किया जाएगा, लेकिन अचानक से पाकिस्तान में केजरीवाल जी की आत्मा समा गई और उन्होंने U-turn मार के बोला कि नहीं, अब हम court of arbitration में जाना चाहते हैं। क्या कसूर, मेरा कसूर क्या है?
इंडिया इस बात पे चिढ़ा हुआ है कि यार आप हमारे प्रोजेक्ट को बार बार डिले करने की कोशिश कर रहे हो, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ही बॉयकॉट कर दिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं भेजे और अब कह रहे हैं कि हम पूरी ट्रीटी रिनेगोशिएट करना चाहते हैं, हम ये रिनेगोशिएट करना चाहते हैं कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है ये किस तरह से इस ट्रीटी में यूज किया जाएगा। इंडिया वॉन्ट्स A hierarchy of these resolution mechanism. शायद इंडिया ने देखा है कि पाकिस्तान इस समय पर काफी वीक पोजीशन में है, तो अपने कुछ स्ट्रेटेजिक गोल्स जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को रिनिगोशिएट करने का ये शायद एक अच्छा मौका है। उसके ऊपर से क्रिकेट का इस्तेमाल करके भी इंडिया प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर लगता है। इंडिया ने बोला कि ठीक है भैया आपको कश्मीर चाहिए तो क्रिकेट खेलना जरा भूल जाइए। इस मामले की शुरुआत होती है 2021 में जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनते हैं। उसी साल अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप होस्ट करेगा, जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं काफी धमाकेदार लोकेशन है एशिया कप के लिए। याद करिए पिछली बार पाकिस्तान ने एक बड़ा टूर्नामेंट होस्ट किया था तो क्या हुआ था, तो पाकिस्तान की रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए एशिया कप की लोकेशन पाकिस्तान से शिफ्ट कर दी गई है। अब पाकिस्तान इस बात पे बहुत नाराज है कि यार ऐसे ही पैसे के लाले पड़े हुए हैं, थोड़े मोड़े पैसे आ जाते एशिया कप से, अब वो भी हाथ से निकल गए। और पाकिस्तान एशिया कप के वेन्यू को शिफ्ट करने के लिए जय शाह और बीसीसीआई के मैनिपुलेशन के ऊपर आरोप लगा रहा है, और इसी बात पर उन्होंने इंडिया को धमकी भी दी है कि अगर बीसीसीआई अपनी मैनिपुलेशन को नहीं रोकता और अगर कश्मीर से वर्ल्ड कप के लोकेशन नहीं हटाए जाते तो हम इंडिया आएंगे ही नहीं क्रिकेट खेलने के लिए वर्ल्ड कप में। खबर बहुत बड़ी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने का कि वो चुनौती चेतावनी दी है। चलिए कोई बात नहीं, रवीश जी और आरफा खानुम का दिल थोड़ा टूटेगा लेकिन जी लेंगे आपके बिना। उसके ऊपर से पाकिस्तान ने हाल में ही इंडिया पर यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी तालिबान को इंडिया ट्रेनिंग और सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। देखिए एक पुरानी कहावत है कि अगर आपको जानवर कंट्रोल करना नहीं आता तो जानवर ना पालें। पाकिस्तान ने तालिबान को डेवलप किया, उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ काफिर अमेरिकन और इंडियंस के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन अब तालिबान पाकिस्तान गवर्नमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ गया है तो वो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। इंडिया ने ऑब्वियसली कोई भी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया है। इंडिया ने बोला है कि हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें और हमें कभी नहीं पता चलेगा कि इंडिया ने सपोर्ट किया है तालिबान को या नहीं किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को सपोर्ट कर सकता है तो फिर इंडिया भी। देखिए पाकिस्तान की सिचुएशन इस समय पर बहुत नाजुक हो रखी है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, फूड और एनर्जी क्राइसिस ने पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को काफी कमजोर पोजीशन में रखा हुआ है अभी। तो शायद इंडिया ये देख रही हो कि ये बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान पर थोड़ा प्रेशर डालने का, पाकिस्तान का हाथ थोड़ा मरोड़ने का और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को पाने का, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को और खराब करना हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया में वापस इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी हो। क्या पता अगली बार कब पाकिस्तानी आर्मी इतने कमजोर पोजीशन में हो या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतने कमजोर पोजीशन में। कब से बोल रहा हूं, जब से ये चैनल चल रहा है उससे पहले से भी मेरी प्रेडिक्शन है कि 2030 से पहले, ठीक है, हमारे पास पीओके आएगा, जीबी नहीं। जीबी और पीओके अलग अलग है, कंफ्यूज मत करना, सिर्फ पीओके की बात कर रहा हूं। मैंने पीओके बोला हुआ है 2030 से पहले आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, मजाक में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें भी कर जाते हैं और उनका जो मैसेज है वो भी देते हैं अपने वीडियोस में। तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, ये तो हमेशा से ही सभी चीज़ों के लिए इंडिया की और वेस्टर्न कंट्रीज़ की साजिश ही कहता है। वहाँ के कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो या तो इंडिया पे ब्लेम करेंगे या फिर अमेरिका पे ब्लेम करेंगे, लेकिन अपने यहाँ की सिस्टम्स पे उसको अच्छी करने की बात नहीं करेंगे। सारा ब्लेम जो है वो दूसरी कंट्रीज़ पे ही लगा देते हैं। और जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमी की बात है, वो तो जब से पाकिस्तान बना है तब से उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पावर्स ही आर्मी के पास है, तो उनकी इजाज़त के बिना तो कोई प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और चार बार तो वहाँ पर मिलिट्री को कू हो चुके हैं, तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो अगर कुछ अच्छा करने के भी सोचते हैं तो उनको आर्मी काम नहीं करने देती। तो जब तक ये आर्मी से पावर पॉलिटिकल एंटिटीज पे शिफ्ट नहीं करते हैं तब तक पाकिस्तान की यही हाल रहने वाली है। और जो वो जावेद मियाँ जो कह रहे थे कि फाड़ में जाए इंडिया या डरता है, वैसे तो पैसों की ज़रूरत आपको है ना, तो हमें तो अगर
वहाँ के नहीं खेलेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फ़र्क तो आपको पड़ेगा। तो ऐसे ही चलते रहने दीजिए, आप बॉयकट करना चाहते हैं तो बॉयकट कीजिए, हमें क्या है उससे। और जो ये कह रहे थे कि इस समय पाकिस्तान पॉलिटिकली भी स्टेबल नहीं है, मिलिट्री भी स्टेबल नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास इतने पैसे ही नहीं है, सोशल अनरेस्ट जैसा ही है और खाने के लाले पड़े हुए हैं, एनर्जी क्राइसिस है। तो यही समय है कि हम पीओके को अगर इंडिया में शामिल करना चाहते हैं तो ये सही समय है। लेकिन मुझे लगता है जैसे इन्होंने भी कहा कि हमको हमारे पास जो अभी कश्मीर है उसको इतना डेवलप कर देना चाहिए कि जब हम पीओके को भी हमारे साथ शामिल कर ले तो उन लोगों को भी डेवलपमेंट दिखे और उनकी तरफ भी हम ध्यान दे सके। और तब तक के लिए हमको पाकिस्तान को ऊपर नहीं आने देना चाहिए, जो इस हालत में है उसी हालत में हम हमारे डिप्लोमेसी के जरिए उसी हालत में रख सकते हैं। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।